मैंने अपनी किताब में भी सर लिखा, शेखर गुप्ता जो चिरकुट था ना, उसने इस राहुल लालू को सजा मिली तो कहा कि पिछड़ा है इसीलिए सजा हो गई। जगन्नाथ मिश्रा को कम सजा हुई, इन लोगों ने ऐसे नैरेटिव गढ़ा। इतने नीच प्रवृत्ति के लोग थे पत्रकारिता के पेशे में रहे। लेकिन फर्क जो लोग, खास करके मुझे पीड़ा होती है कि जब सो कॉल राष्ट्रवादी लोगों ने भी जब नीतीश कुमार पर हमला करना शुरू किया, उसके पलटने पर बीजेपी पर और मोदी पर हमला करना शुरू किया, आज यदि नीतीश कुमार की सरकार नहीं वहां से हटती, इतना आसान नहीं था लालू यादव को पटना में जाकर के ईडी के दफ्तर में आपको ले जाना, ममता बनर्जी से भी ज्यादा आग लग जाती पटना में, आग लग जाती, मैं कहूं अरबों की संपत्ति रेलवे की जला दी जाती आज, सर एक तिनका भी नहीं आया आज। और समझिए कितना फर्क पर, आज दो वीडियो में थोड़ा सा सुनाऊंगा, एक तो लोगों ने सुना होगा ब्रीफली कि जो लालू यादव का बेटा इस कदर ऐसी भाषा दो महीने पहले, डेढ़ महीने पहले बोला है, जरा सुनिए उसकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, चेहरा देखिएगा, बॉडी कहते पत्रकारिता में चेहरे के भाव होते हैं सर, इसकी आंख, चेहरे का रंग और भाषा देखिए, ये डिप्टी सीएम है जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को, बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो लोग खेला करना चाहते हैं। बिहार है, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, ये गृह राज्य मंत्री को बोला जा रहा है सर, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री को, अपने स्वजातीय को ये धमका रहा है। और तब समझना पड़ेगा कि आज यदि लालू यादव ईडी दफ्तर आते तो क्या होता। लेकिन यही आदमी इसके 24 और कुछ दिनों आज, ये आज का वीडियो जरा देख लीजिए, चेहरे का भाव, बॉडी लैंग्वेज और शब्द, क्या फर्क पड़ा है उसी लालू यादव के बेटे के में। देखिए हम अलग नहीं हुए, वो गए, हम लोग जिसका, जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता, और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है, नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था। सर आपको लग रहा है कि यही आदमी दो दिन पहले ऐसा बोला था, इसी आदमी की भाषा है, यही अनपढ़ नौमी फेल चार अभी एक महीना पहले क्या बोला था, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, बिहार है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये समझना, मैंने दोनों वीडियो इसीलिए दिखाया कि लोग समझ सकें इस चीज को कि लग रहा है कितना डरा हुआ आदमी है ये। यही आदमी कह रहा बिहार है, बर्बाद कर देंगे, बच के नहीं जाएंगे, और सामान्य आदमी को नहीं कह रहा है। मैं बार बार इस पीड़ा मेरी निकलती है कि देश के बेहतरीन डॉक्टर जो है बिहारी हैं, दिल्ली में है। मेरी एक आज भी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर अंशुमान हैं, कैंसर के देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से हैं, उनकी पीड़ा इसी बात की, मनीष जी बिहार के लोग सबसे ज्यादा यहां आते हैं, मैं वहां जाके सेवा नहीं कर पाता हूं, कैसे कर पाऊंगा, पैसा तो हमें भी कमाना है, वहां छीन लिया जाएगा। ये पीड़ा मैं देश के बेहतरीन डॉक्टरों की, जब चूंकि जर्नलिस्ट हूं, मेडिकल भी कवर किया है, आज मुझे डॉक्टर अंशुमान ये पीड़ा बता रहे थे। अब समझिए कि इन लोगों की गुंडागर्दी के कारण पूरी बिहार बर्बाद हो गया, और राष्ट्रवाद यहां पर जो बिहारी सो कॉल राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार के साथ, क्या ये बॉडी लैंग्वेज, ये फर्क नहीं नजर आ रहा है लोगों को। मनीष जी अभी जो आपने अभी वीडियो दिखाया, ये अपने आप को खुद बेनकाब कर रहा है, ये जितना सुशील सीधा सज्जन बन के आ रहा, बड़ा विनम्रता का परिचय दे रहा है, तो इससे पूछा, असल में हमारे यहाँ बताया ना कि न्यूज चैनलों में क्या को बार बार वही आ जाते हैं बीच में, कि इससे कोई बड़ा सामान्य सा सवाल मनीष जी पूछ ले कि जब नीतीश तुम्हारे साथ थे तो भी मुख्यमंत्री थे और उधर चले गए तो भी मुख्यमंत्री, ऐसा तो है ना कि मुख्यमंत्री दो, क्योंकि कोई एक डबल मुख्यमंत्री उनके हो गया, डबल मुख्यमंत्री बन गए, दो नीतीश कुमार हो गए, वही मुख्यमंत्री, वही कुर्सी, वही मुख्यमंत्री आवास और वही अधिकार जो उनके, जो तुम्हारे साथ थे तो उनको मिले हुए थे। नीतीश तुमको छोड़ के क्यों गए फिर, क्योंकि नीतीश का कोई फायदा नहीं हुआ मनीष जी,
वो आदमी मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री है। तो ये तुम इतने सुशील, इतने सज्जन, इतने विनम्र, इतने ईमानदार, इतने शराफत के पुतले, तो तुम लोगों को, तुम बाप बेटों को छोड़कर नीतीश गए क्यों? ये सवाल इतना समझा दे, ये जितने खैराती हैं, ये दिल्ली में जो बैठे हैं रात में दारू पी के अंग्रेजी अखबार में लंबे लंबे कर रहे लिख रहे हैं वो, और या फिर ये बाप बेटा पूरा भाई भाई बहन सब मिल के, कि या जो बड़े लठैर घूम रहे हिंदुवाद के, उनसे पूछना चाहेंगे कि जब ये नीतीश कुमार इधर आए भाजपा में तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिला मनीष जी? वो तो आदमी वही था जहां है, तो वो वही बना रहता अगर ये बड़े अच्छे होते तो वो नीतीश का वहां जाना और इसका बदला हुआ चोला ये बता रहा है कि तुम्हारे कर्म क्या थे, तुम्हारी करतूतें क्या थी, अन्यथा ये समझा था कि वहां पे जाने से नीतीश को ये फायदा हुआ। हालांकि सब ये कह रहा है, मतलब जो हम ही लोग समझ रहे हैं उसी को कहा कि यहां पर आके नीतीश पे दबाव ज्यादा होगा क्योंकि नीतीश ने वापसी की है, यहाँ नरेंद्र मोदी ऐसा कद्दावर नेता सामने है, तो नीतीश का तो कायदे से 1-2 इंच ही सही, लेकिन नीतीश पे दबाव यहाँ बढ़ेगा, लेकिन वो दबाव सकारात्मक होगा, वो दबाव लूटपाट भ्रष्टाचार और इधर लूट खसोट लो ये सब नहीं होगा, वो एक राजनीतिक दबाव होता है, उसके लिए नीतीश ने स्वयं को तैयार कर लिया। अन्यथा मुझको जितने यहाँ अपने जो लठैत घूम रहे हैं वो, और खैर इनसे कि तुम इतने शराफत के पुतले तो तुमको छोड़कर नीतीश क्यों चले गए, नीतीश को ऐसा एक्स्ट्रा वहां क्या मिल गया, इसका जवाब कोई नहीं मांग रहा। ना ये जो वही फिर कि जो 5 बजे आके सूट बूट टाई पहन के बैठ जाते हैं और बैल की तरह सींग लड़ाते हैं दूसरे से, उन बैलों को भी आज तक ये नहीं सूझा कि कम से कम ये बता दें, जिसको देखे मनी ये सारे चैनल पलटी मार पलटू और पुराना वीडियो नया वीडियो, अरे ये पलटी अल्टी मारता आदमी तब जब उसका कोई लाभ होता, जब उसका कोई अवसर, जब उसका कोई विशेष फायदा हो रहा था तब जाता है तो लगता कि पलटी मारी, नीतीश का फायदा क्या हुआ? और ये बाप बेटा तो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि नहीं नहीं रुक जाओ भैया, हमारा समर्थन तो ऐसा आता है, उसके बाद वो आदमी चला गया, तो ये अपने आप में सारी कहानी बयान कर देते हैं मनीष जी। बिल्कुल सर, और इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये हताशा, ये पीड़ा लालू कुंदेल, कल सर बबुआ को भी बुलाहट है ईडी का, आज बाप गया है, कल बेटा को ईडी का बुलाहट है, और 7 तारीख को बीबी, दो दो बेटी, बेटवा, सेक्रेटरी भोला यादव सब है। क्यों सर, 4 लाख रुपए में तो दिल्ली में एक कमरा नहीं मिलता, एक कमरा तो छोड़ दीजिए, मतलब कुछ नहीं मिलता, पार्किंग 4 लाख की तो दिल्ली एनसीआर में पार्किंग है सर, नोएडा जैसे, और नोएडा नहीं, नोएडा की जो आउटर एरिया, वहां 4 लाख की तो सिर्फ पार्किंग है सर, और 4 लाख कीमत इसने बताया है देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक साउथ दिल्ली में, जिसका आलीशान कोठी है, जिसमें तेजस्वी यादव अपनी बीबी के साथ रह रहा था, वो उस कंपनी की है जिस कंपनी के नाम पर पैसे लूटे जाते थे। मतलब आपको नौकरी चाहिए सतीश चंद्र मिश्र जी को, तो नौकरी चाहिए नहीं सर, आपको लेना पड़ेगा, आपकी जमीन आपकी पसंद आ गई है उसको, लालू यादव को आपकी जमीन पसंद आ गई तो आपको चपरासी की नौकरी देगा, जमीन आप उस कंपनी के नाम कर दीजिए, इंफोसिस करके पता नहीं क्या कंपनी है, और उस कंपनी के वो तेजस्वी यादव की फर्जी नाम पे है, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 लाख की प्रॉपर्टी बना दी गई, और ये लोग गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, अब 7 तारीख को पूरे कुनबे के साथ है। लेकिन सर ये तो पेश हो गया,